खुदाई में फंसे 78 मजदूरों से कुल 3,17,000 रुपए वसूले। उन्हें अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने जा रहे ट्रक को कर्नलगंज पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस सभी को थाने ले गई, जहां चालक क्लीनर पर नामजद केस लिखा गया, जबकि मजदूरों को मेडिकल जांच के बाद बसों से अलग अलग जगहों के लिए रवाना किया गया। चौराहे के पास ट्रक रोक कर जांच की तो उसमें कुल 78 लोग सवार मिले। पता चला कि सभी मुंबई से आ रहे थे। पूछताछ में चालक 4,500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूल कर सभी को लेकर आए थे, जो लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि चालक व क्लीनर ने ऐसा ट्रक मालिक के कहने पर किया, जिसने उन्हें सभी लोगों की लिस्ट भी दी थी। हालांकि दोनों उसका नाम नहीं बता सके। उनका कहना था कि एक दलाल के माध्यम से उन्हें यह काम मिला था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद चालक क्लीनर को नामजद करते हुए धारा 144 के उल्लंघन व महामारी एक्ट का केस दर्ज किया गया। इसमें अज्ञात ट्रक मालिक को भी आरोपी बनाया गया है। मुंबई से लाए गए लोगों को जौनपुर, हंडिया व अन्य स्थानों पर जाना था, जिन्हें रामवटका में मेडिकल जांच के बाद बसों से अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। ट्रक सीज कर दिया गया है। सिर पर गठरी, गोद में मासूम, पांव के जख्मों को भूल कर लौट रहे प्रवासी, चलक पड़ा श्रमिकों का दर्द, बोले 3 दिन से भूखे हैं, महामारी से बच गए तो भूख से मर जाएंगे। मुंबई से आए लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया है। पैसा लगाओ, ट्रक बुक करो, जाओ। अभी जितना ट्रक आ रहा है ना, सब ऐसे ही आ रहा है। पुलिस का लात खा के आना पड़ रहा है। तो ट्रक वालों को भी आपने पैसा दिया है? हाँ, 3,000 रुपए हर ट्रक वाले को, सब आदमी आ रहा है। इतने 2,20,000 रुपए में ट्रक हुआ था। 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए में ट्रक हुआ था। और ये ट्रक मुंबई से आ रही है, पनवेल से। अच्छा जी। और रास्ते में जो भी समस्या हुई, बाकी तो सारी व्यवस्था आपने यूपी में प्रवेश करते ही जो नाश्ता पानी मिला यहाँ के लोगों द्वारा, वो हम लोगों को प्रोवाइड हुआ। बाकी कुछ नहीं मिला। ले थे वहाँ से, फैजाबाद से? हाँ। कब चले हो? 3 दिन चले सर, पहले से। कोई साधन नहीं मिला? नहीं सर। प्रशासन ने वहाँ का साधन कुछ नहीं दिया सर? प्रशासन तो ऐसे बोले सर, ऐसे चलते रहो, आगे चलते रहो, कुछ नहीं बोले। खाने को कुछ मिला? खाने को कुछ दे रहे सर। हाँ, पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं? पुलिस सुविधा कुछ नहीं दे रही सर। पुलिस बोले आगे चलते रहो, बस खाने के लिए आ जाओ, खाना खा लो, खाना खा के बस आगे चलते रहो सर। पीछे बंदे बैठे रहे, सबके ऊपर ऐसे भी मना नहीं करे कि आप नीचे बैठ के जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। हाँ, कहाँ जाओगे सर? जाना हम लोग डिप्टी गाजीपुर मध्य ब्लॉक में। नाम आया तो ये लोग पुलिस वाला पैसा लिया, डंटा भी मारा हम लोग के सामने। बस का नहीं, ट्रेन का। बाद में ऑनलाइन का पैसा दिया हम लोग का, बस में कोई टाइम के टिकट भी हो गया। 1,000 रुपए लेने के बाद हमारे को लाइक कर जाने का पैसा लगा, भेज दिया। पहले का नंबर लगा हम लोग का, जब वहाँ पे पैसा लिया गया तब ट्रेनों में बैठने दिया जा रहा था। हाँ, और पैसा भी ले लिया गया आपसे और बैठने भी नहीं दिया। 1,000 रुपए लेके आप अंदर बैठाते गए, टिकट देते गया, सबको टिकट देके पैसा ले लिया, ट्रेन भर गया तो बोला कि काम करो। पुलिस वाले वहाँ पे बांट रहे थे पैसा? पुलिस वाले बांट रहे थे, बाद में उन्होंने बोला था नहीं आप भेजे पैसा तो बात मार दो। टिकट विकट आपके पास है? वो बहुत लोगों ने दिया वापिस। अच्छा, वहाँ की सरकार से जो है, मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। कुछ मतलब कि कोई सहायता नहीं था? अपना पैसा खा रहे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, पीछे डाले 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।